देखिए युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है और युवाओं का है, चूंकि मैं पूरे बिहार भर के युवा के साथियों के साथ मिल रहा हूँ, उसी के क्रम में आज सिवान आया हूँ। मेरा 40वां जिला है आज सिवान जी। आया हूँ, युवा साथियों से संवाद हुआ है और हमारा कार्यक्रम घोषित कार्यक्रम है कि भारत सरकार से नई शिक्षा नीति वापस ले। अगर वो शिक्षा नीति लागू रह गई तो देश का 90% तबका शिक्षा से दूर हो जाएगा। जाति जनगणना जो हमारी मांग है पार्टी की, उसको लेकर हम आए हैं कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। अगर जब तक जनगणना नहीं होगा इस देश में दलितों को, अकलितों को हक हिस्सा, मजलूमों को, वंचितों को नहीं मिल पाएगा। उसको आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी उनकी हक नहीं मिला है, इसलिए जरूरी है उसको भारत सरकार माने। महंगाई को लेकर मैं आया हूँ अपने युवा साथियों से बात करने कि यह महंगाई इतनी बेबस हो गई है कि अगर इससे अगर कोई पिसता है तो वह कामगार लोग हैं जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दलित हैं, महादलित है। इन सब सवालों को लेके यानी समाजवादी लोग लगातार जिन लोगों की राजनीति करते रहे हैं, उन लोगों की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, उनके संघर्ष को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम आज युवा साथियों से संवाद किए हैं और आगे इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। मणिपुर की घटना को किसने दर्शाया? देखिए मणिपुर की जो घटना है, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान में भरोसा नहीं, वो संविधान बदलना चाहती है। तो मणिपुर जलवा है, महिलाओं के साथ इतनी अत्याचार और अपमान हुआ और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुप है, तो वह तो इसलिए चुप है कि उसको इस संविधान पर भरोसा नहीं है। संविधान पर एक भी भरोसा करने वाला आदमी चुप नहीं है, उसका मन दलित है, मतलब अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहां कि इस देश के संविधान में महिलाओं का समान अधिकार है, फिर भी उसको नंगा घुमाया जा रहा है। तो आरजेडी से अभी बता रहे कि इस दल में नहीं है, वो बात समझे ना, हमारी पत्नी कहाँ, लेकिन कोई जरूरी है कि हमारी पत्नी हमारा विचारधारा माने? हम इस पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हमारी पत्नी भी हमारी बात माने। इसलिए ऐसा नहीं है, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तार जिंदगी लड़ते रहे, उनके विचारों को राष्ट्रीय जनता दल लगातार आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाते रहेगा। पटना विश्वविद्यालय में 4 हॉस्टल बंद है, बच्चे तबाह है, सत्ता में आप लोग हैं, क्या करेंगे? एक बात जानिए, यही लोकतंत्र का खूबसूरती है कि हर लोग को अपना हक और अधिकार मांगना, यह लोकतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी यह संविधान को बात नहीं कर सके, अपने अधिकार की नहीं बात कर सकते। और अगर कोई सरकार चलाने में कोई कमी बेसी है, आप मांग कीजिए, सरकार उस पर विचार करेगी। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर लोग को अपने अधिकार का मांग करना सरकार से उसका कर्तव्य है। सर छात्र युवाओं की बात कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में छात्रों पे लाठियां गिराई जा रही है, उन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अपनी मांग सरकार से करने का सबको हक है और सरकार सबके साथ न्याय करना चाहिए, सरकार है तो उसको न्याय करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि यह लोकतंत्र है। आज तो आप मांग भी कर रहे हैं, मैं जिस लड़ाई के लिए आज सिवान में आया हूँ वह लड़ाई संविधान बचाने की है। चूंकि आज संविधान खत्म हो जाएगा, जब मनुस्मृति का संविधान लागू हो जाएगा तो आप किससे मांगिएगा? ना कोई मांगने वाला रहेगा, ना कोई देने वाला रहेगा। इसको बचाइए, बाकी तो छोट मोट काम चलते रहता है। धन्यवाद। यात्रा का नहीं, बस युवा साथियों से मिलने का है। बड़ा इनकी मोहब्बत किससे हम लोग बहुत अभिभूत है और बेहद मशकूर है, ममनूर है, अब क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस सिवान के युवा। शहाबुद्दीन के नाम का नारा लगाया गया है, बिल्कुल लगे, क्यों नहीं लगे? आप गलत फहमी में, क्या लगता है कि 24 का इशारा तो नहीं कर रहा है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया इस प्रकार का। क्या बात करते हैं, हमारे पार्टी के कई बार से सांसद रहे हैं, इन्होंने पार्टी को अपने क्या बोलते हैं खून से सींचा है, आप कैसे बात करते हैं? हमेशा पहले भी नारे लगे और आगे भी नारे लगते रहेंगे। हम लोग उनके विचारधारा के वारिस हैं, हम लोग उनके अपने नेता मानते हैं। फिर उनके परिवार को वंचित किया जाता है आप लोगों के द्वारा? आप लोग दिग्भ्रमित करते हैं, डाइवर्ट करके डाइल्यूट करते हैं। आज तक मैडम का कोई बयान आता है, लेकिन आप लोगों को इससे टीआरपी मिलती है, हर तरह की बातें। मैडम का तो बयान डाइवर्ट है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का से ये नहीं मतलब होता। हमारे पार्टी के नेता हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और हम लोग उन पर यकीन करते हैं। उनकी विचारधारा थी समाजवाद के पक्ष में, उनकी विचारधारा थी समप्रदाय वक्त के विपक्ष में और जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी के पक्ष में थी और हम उस विचारधारा को लेकर जन जन और कण कण के बीच में पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।